रोजगार बिहार में आपको तलाशना पड़ेगा। बिहार में रोजगार कहाँ है? जब प्राइवेट इंडस्ट्रीज होती तभी तो आपको यहाँ रोजगार मिलता। या तो आप चाय बेचने चले जाइए, MBA चाय वाला बन जाइए, ग्रेजुएट चाय वाले बन जाइए। नीतीश सरकार ने तो अभी यही डिक्लेयर कर दिया है कि आप पहले पढ़िए, मेरिट में आइए और जॉब तो हम आपको देने से रहे। जहाँ हमारे सीट में खतरा आएगा हम चुनावी मुद्दा बनाएंगे रोजगार को। और जहाँ तक लड़कियों की बात है, बहुत ज्यादा घुमा फिरा लिया, अब जब जॉब देने की बात आई है तो हम लोगों को सड़कों पर बैठना पड़ रहा है। प्राइवेट इंडस्ट्रियां है नहीं, आपकी औकात इतनी है नहीं कि आप उनको ला सके। तो कम से कम जो यहाँ का जो रिसोर्स है, जो सरकारी इंस्टीट्यूशंस ही है, उनको तो कम से कम अपने दलालों से छुटकारा दिलवाइए। जाती है गणना होने जा रही है, किस लिए? किस लिए? एक और वोट बैंक तैयार करने के लिए। आप टीचर्स को भी डिवाइड करेंगे जाति के नाम पे, उनके धर्म के नाम पे। तो आप जातीय गणना आप करेंगे किस लिए करेंगे? बिहार को तरक्की पे ले जाने के लिए क्या? वोट जरूर करेंगे क्योंकि आपको लगता है कि बिहार में कोई विपक्ष है, रीढ़ है उनकी, रीढ़ है, सोच है, कोई नैतिकता है। जब रीढ़ ही नहीं है तो कहाँ का विपक्ष? सत्ता में तो बैठ गए नीतीश कुमार हमारे ही बदौलत, लेकिन देखिए कब तक चलते हैं वो। कि आपको डिसाइड करना है, या तो आप कहीं इंगेज हो चुके होंगे इसलिए आप नहीं आते हैं, या फिर आप सोच रहे हैं कि जब सब लड़ रहे हैं तो हम क्यों आए। तो डिसीजन आपके हाथ में, सरकार आपको देने वाली नहीं है। अगर आप खुद नहीं खड़े होंगे तो सरकार ने अपनी ही मनमानी की है और आगे भी करती रहेगी। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज। देखिए अभी मेरी मौजूदगी पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पे है और यहाँ पे मेरी धारी अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन जारी है। देखिए हमारे साथ अभी STT मेरी धारी अभ्यर्थी रश्मि श्रीवास्तव हैं। मैम, धरना प्रदर्शन आप लोग कर रही हैं, पहला दिन है आज, पहले भी आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है, क्या कहिएगा? देखिए पहले में और अभी में बहुत फर्क आ गया है, क्योंकि पहले हम लोग नॉट मेरिट और इन मेरिट कैंडिडेट्स के रूप में दो हिस्से में बटे हुए थे, जिसमें सरकार राजनीति कर रही थी। और अब जब सरकार ने अपना स्टैंड क्लियर किया है, कुछ हद तक क्लियर है कि वो पॉजिटिव अप्रोच रख रही है एस्टेट के कैंडिडेट्स के लिए और वो जो बहाली प्रक्रिया है उसको शुरू करने वाली है, लेकिन अभी भी ये जो स्टैंड है उनका वो बहुत क्लियर नहीं है। जो भी कुछ होता है उसको पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं रखा जा रहा है? अगर ऐसा कुछ प्लानिंग आपकी तरफ से चल रही है, विभाग ने ऐसा कुछ डिक्लेयर किया भी है, तो उसको पब्लिक डोमेन में रख दीजिए, रिटर्न फॉर्म में हम लोग आश्वस्त कर दीजिए, ताकि अभी जो टेक्निकलिटीज है, जो पेपर वर्क होता है, उसके बाद भी हम लोग उसके साथ भी प्रोसेस में आगे बढ़ सके। क्योंकि हम लोग फ्री नहीं है, हर कोई कहीं ना कहीं एम्प्लॉयड है, कहीं ना कहीं इंगेज है, तो उनको भी समय चाहिए। तो 3 महीने या 4 महीने जो भी आपकी प्रक्रिया का रोड मैप है, उसको ब्लूप्रिंट को पब्लिक डोमेन में रखिए, ताकि हम लोग आश्वस्त हो और कुछ पॉजिटिव सच में हो सके। एनर्जी बहुत चली गई है हमारी, फिजिकली, मेंटली और इकोनॉमिकली। अब बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिव सिचुएशंस में हम लोग आ गए हैं और सरकार इस चीज को लेकर बिल्कुल भी इनसेंसिटिव है, उनमें सेंसिटिवनेस कहीं भी नहीं है। तो ये ऐसे नहीं चलेगा, अब ये डिसाइसिव मोड है, या तो यहाँ या फिर कहीं और। तो सरकार को डिसीजन लेना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। बिहार की बेटी है, बिहार से आती है, क्या बिहार में रोजगार है? रोजगार बिहार में आपको तलाशना पड़ेगा। बिहार में रोजगार कहाँ है? जब प्राइवेट इंडस्ट्रीज होती तभी तो आपको यहाँ रोजगार मिलता। या तो आप चाय बेचने चले जाइए, MBA चाय वाला बन जाइए, ग्रेजुएट चाय वाले बन जाइए, यही करेंगे ना। एंटरप्रेन्योरशिप तो यही हो गया ना। नीतीश सरकार ने तो यही डिक्लेयर कर दिया है कि आप पहले पढ़िए, मेरिट में आइए और जॉब तो हम आपको देने से रहे। जब तक हमारी सीट मजबूत है आपको जॉब मिलने से रहे। जहां हमारे सीट पे खतरा आएगा हम चुनावी मुद्दा बनाएंगे रोजगार को। और जहां तक लड़कियों की बात है, तो लड़कियों को उन्होंने साइकिल, प्रोत्साहन राशि, ये सब देकर बहुत ललचा लिया, बहुत ज्यादा घुमा फिरा लिया। अब जब जॉब देने की बात आई है तो हम लोगों को सड़कों पर बैठना पड़ रहा है। प्राइवेट इंडस्ट्रियां है नहीं, आपकी औकात इतनी है नहीं कि आप उनको ला सके। तो कम से कम जो यहां का जो रिसोर्स है, जो सरकारी इंस्टीट्यूशंस ही है, उनको तो कम से कम अपने दलालों से छुटकारा दिलवाइए, उनको तो मुक्त करवाइए, ताकि हमारी मेरिट जो है, हमारे काम और हमारा हक हमें मिल सके। लेकिन उद्योग लगाने की बात करती है BJP सरकार। बिल्कुल, बात तो बहुत होती है, बातों में तो उनसे कोई जीत नहीं सकता। आप देखिए ना, जातीय गणना होने जा रही है, किस लिए? किस लिए? एक और वोट बैंक तैयार करने के लिए। अब आपका वोट बैंक ना जो जुड़ चुका था, टूट चुका था, ये कम्युनिटी जो आपके खिलाफ हो गई है, शिक्षक कम्युनिटी, इसके वजह से आपका बहुत बड़ा वोट बैंक ऐसे ना डिस्पर्स हो गया था, उसको आपको इकट्ठा करना है। तो कैसे इकट्ठा करेंगे? टीचर्स आपके साथ नहीं आएंगे, आप टीचर्स को भी डिवाइड करेंगे जाति के नाम पे, उनके धर्म के नाम पे। तो आप जातीय गणना आप करेंगे किस लिए करेंगे? बिहार को तरक्की पे ले जाने के लिए क्या? आपके अपने वोट बैंक को स्ट्रांग करने के लिए जातीय गणना हो रही है। इसमें सर्वदलीय बैठक होगी, सर्वदलीय सम्मेलन होगा और सर्वदलों की सहमति भी दिखेगी। आप देखते जाइए बिहार का मजाक किस लेवल पे लेके जाते हैं ये लोग। लेकिन अगर देखा जाए तो बिहार के तमाम जो दल है वो भी जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं। और बिल्कुल करेंगे ना, यही तो सरकार में है, वो जरूर करेंगे। क्योंकि आपको लगता है कि बिहार में कोई विपक्ष है, रीढ़ है उनकी, रीढ़ है, सोच है, कोई नैतिकता है। जब रीढ़ ही नहीं है तो कहाँ का विपक्ष? सत्ता में तो बैठ गए नीतीश कुमार हमारे ही बदौलत,
लेकिन देखिए कब तक चलते हैं वो, जहां उनको दिखेगा कि अब मेरी कुर्सी में एक पाया कम हो रहा है वो तुरंत आ जाएंगे जनगणना सब बीच में आपके जनप्रतिनिधि बन के और आपके सामने मुद्दा उठाएंगे ऐसा जिसपे आप सोचे हैं कि शायद इसको एक मौका देना चाहिए, लेकिन इसमें बहुत देर हो चुकी है, ताबूत में आखिरी कील लग चुका है। भारत सरकार को, बिहार सरकार को शायद वो कहने सुनने के सिचुएशन में अब नहीं है, वो कहने को तो हमारे लोगों ने बहुत कुछ कहा है और हर रोज कुछ ना कुछ हो ही रहा है। आप देख सकते हैं कि गर्दनीबाग इलाके में ही ऐसी बहुत सारी चीजें हो रही हैं जिससे कि कहा जाता है कि नीतीश कुमार जी अनभिज्ञ हैं, बिहार के किसी भी कोने में क्या हो रहा है इससे नीतीश कुमार अनभिज्ञ हैं, ये बनाना मूर्खों की बात है। तो जो भी कुछ हो रहा है वो नीतीश कुमार की सहमति से हो रहा है, उनकी सारी सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है और ये सरकार कहीं से भी वेलफेयरनेस के लिए तो काम नहीं कर रही है, अपने वेलफेयर के लिए काम कर रही है, लोगों के लिए नहीं और बिहार के लिए नहीं। तो बिहार इनके लिए सिर्फ मुद्दा है और सिर्फ अपने रिसोर्सेज को स्ट्रॉन्ग करने का एक जरिया और कुछ नहीं, और बिहार की पब्लिक भी कुछ नहीं उनके लिए सिवाय वोट बैंक है। संदेश कुछ नहीं है, हम लोग इतने भी अनपढ़ गंवार तो है नहीं, मेरी धाड़ी जो टैग लगा हुआ है तो इसको जस्टिफाई भी कीजिए। आप लोगों को लगता है कि हम लोग को एक दूसरे को संदेश देने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं, अपनी जिम्मेदारी समझिए, नैतिक जिम्मेदारी समझिए। अगर आपको लगता है कि आपका हक है तो आप आइए, अगर नहीं लगता तो आप तो सोए हुए। इतना बड़ा आयोजन किया गया है, ऐसा कुछ नहीं है जिसमें कि आप लोगों को बताना पड़े रोज रोज, लेकिन फिर भी इतने डिसअपॉइंटमेंट है कि कहीं भी वो चीज नहीं दिख रही है, जो एनर्जी दिखनी चाहिए वो नहीं दिख रही है। तो इट्स अप टू यू नाउ कि आपको डिसाइड करना है, या तो आप कहीं एंगेज हो चुके होंगे इसलिए आप नहीं आते हैं, या फिर आप सोच रहे हैं कि जब सब लड़ रहे तो हम क्यों आए। तो डिसीजन आपके हाथ में, सरकार आपको देने वाली नहीं है, अगर आप खुद नहीं खड़े होंगे तो सरकार ने अपनी ही मनमानी की और आगे भी करती रहेगी। धन्यवाद। तो आपने सुना है एसटीटी मेरिट धारी अभ्यर्थी रश्मि श्रीवास्तव थे, इनका साफ साफ बिहार सरकार और बिहार के शिक्षा मंत्री पर निशाना था और इनका साफ साफ कहना था कि बिहार में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ रही है, लगातार जो बेरोजगार अभ्यर्थी है वो दर दर भटक रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो एनडीए की जो सरकार है वो लगातार यह दावा कर रही है कि हम रोजगार दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो गर्दनीबाग धरना स्थल पर ऐसा दृश्य हमेशा देखने को मिलता है जहाँ तमाम रोजगार अभ्यर्थियों या फिर अलग अलग मुद्दा को लेकर जो लोग हैं वो धरना प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि जो रोजगार का दावा है बिहार सरकार का वो कहीं ना कहीं फेल है। क्या कुछ कहती है एसटीटी मेरिटधारी अभ्यर्थी रश्मि श्रीवास्तव, तो आपने सुना है। फिलहाल और भी तमाम खबरों के लिए बन रहे हैं 24 न्यूज के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।